अविश्वसनीय पर चिनुक हेलीकॉप्टर 11,000 फीट पहाड़ पर फंसे पर्वतारोहण को बचाने के लिए संतुलन। एक यादगार हेलीकॉप्टर पायलट ने एक युद्धाभ्यास किया, आमतौर पर केवल अफगानिस्तान में युद्ध मिशन के दौरान उपयोग किया जाता है, और एक पर्वतारोहण को बचाने के लिए। उस पल में 11,000 फीट पहाड़ की चोटी पर शिखर पर भी वीडियो पर कब्जा कर लिया गया था। विशेष युद्धाभ्यास ने ओरेगन के माउंट हूड के किनारे एक CH-47 चिनुक हेलीकॉप्टर के पीछे के अंत को संतुलित किया। पोर्टलैंड से लगभग एक घंटे की ड्राइव जब बचाव मिशन गुरुवार दोपहर शुरू हुआ। पहाड़ बर्फबारी था और परिस्थितियों को विश्वासघाती के रूप में वर्णित किया गया था। फिर कुल 304 बचाव स्क्वाड्रन का हिस्सा था जिसने अगली सुबह 27 वर्षीय पर्वतारोहण को बचाया। उसने कहा, इस बार पहाड़ बस अलग हो जाना शुरू कर देता है। युद्धाभ्यास 11,000 फीट पर हुआ था, सब कुछ पिघल रहा है, पहाड़ से बर्फ और चट्टान आ रहे हैं। एक अच्छा सा दृश्य एक गेंदबाजी गली की तरह है। इसके बावजूद बचावकर्ता 27 वर्षीय टेक्सन पर्वतारोही को सुरक्षा में लाने के लिए चारों तरफ से बाहर निकलने में कामयाब रहे, जबकि टेंडेम रोटर्स अभी भी कटाई कर रहे थे। गुरुवार को उन्हें 2:30 बजे दृश्य में बुलाया गया था, जब पर्वतारोहियों ने कहा था कि वह अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहे थे। शुक्रवार की सुबह बचाव दल ने उसे पाया था और उसे पहाड़ से अनुरक्षण करने में सक्षम थे। असुरक्षित My knees are feeling